lights went down when you feel lost in your shadow. नमस्ते, आज हम बनाएंगे दही वड़े। आपने देख ही लिया होगा कि कितने अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं, तो आज मैं आपको इस दही वड़े बनाने का एकदम आसान सा तरीका सिखाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। मैंने यहाँ 1.5 कटोरी उड़द दाल के सामने 1/2 कटोरी पीली मूंगी की दाल ली है। उसे अच्छे से धोने के बाद उसे मैंने कम से कम 6 घंटे के लिए भिगो लिया है। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप इसे रात को भिगो दीजिए। मैंने 6 घंटे बाद दोनों दालों को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। एकदम कम पानी डाल के बैटर गिर सके उतना आपको इसे पीस लेना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आपको व्हिपिंग मशीन से या बीटर से अच्छे से उसे बीट कर लेना है। आप इसे जितना अच्छे से बीट करेंगे उतने ही सॉफ्ट आपके दही बल्ले बनेंगे। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे बीट किया, कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट इसे बीट किया है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपको इसे 1/2 घंटे तक कंटिन्यूसली हिलाना है। देखिए कितना सॉफ्ट और फ्रॉथी हो गया है हमारा मिक्सचर। जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तब ये इतना फ्रॉथी नहीं था। ये सबसे आसान तरीका है उसे चेक करने का। पानी में डाल के देखिए, जब आपका ये मिक्सचर ऊपर आने लगे तो मतलब आपका मिक्सचर एकदम परफेक्ट है और आपके दही बल्ले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद इसमें नमक और थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल के इसे 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चम्मच से बल्लों को बनाया है। मेरे बल्ले इतने गोल नहीं बने, अगर आपकी उसमें कला अच्छी है तो आपके गोल बन सकते हैं, पर टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे कोई भी शेप के बल्ले चलते हैं, आप चाहे तो बड़े छोटे कैसे भी साइज़ के बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से वो एकदम गुलगुले जैसे हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। आपको तेल में ही दिख रहा होगा और ये बने भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। इन्हें अच्छे से आप इसे भी आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब हल्के हल्के पीले और ब्राउन होने लगेंगे तब आपको इसे बाहर निकाल लेना है। देखिए अब हमारे बल्ले एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। इसे मैंने बटर पेपर के ऊपर निकाल लिया है। जो दाल है वो तेल ज़्यादा पीती है इसलिए थोड़े ऑयली होते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसे गरम गरम खाने का तो अपना अलग ही मज़ा है। अब मैंने इसे पानी में 2 मिनट के लिए भिगो लिया है, ज़्यादा नहीं भिगोना है। 2 से 5 मिनट भिगो लीजिए, फिर उसमें से अच्छे से उसका पानी निकाल लीजिए, फिर उसकी प्लेटिंग कीजिए। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की ओर। मैंने इसमें खट्टी मीठी खजूर इमली की चटनी ली है, हरी चटनी ली है, फैटा हुआ दही लिया है, प्याज लिए हैं और चाट मसाला। इन सब का करके अच्छे से एक दही बल्ले की बहुत स्वादिष्ट डिश को तैयार कर लिया है जो आपको दिख ही रही है। आप भी अपने घर पे इसे बनाइए और खाइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और खाइए पिए और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।